मैग्नेट को पॉजेस नहीं पसंद भाई, तुम्हें तो पता ही है। अरे हाँ, आज मैंने कंट्रोल ले लिया ना, अगर मैग्नेट भाई के हाथ में होता अभी पूरी वीडियो ऐसे ही बैठ के शिंस्के की मां की Yo, what's up, my Yo, what's up, my people? How are you? I am professional magnate, as you can see. एक वीडियो और आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है कुछ ऐसे क्षण या कुछ ऐसे पल जहां पे WWE was extremely racist and then those moments got published on the live TV. Are you guys ready? Are you guys excited? Yes. I'm not excited, but I mean I am excited, but I wish Hithuman bhai is just ready for this video, bhai. Bhai, ye Chinese logo pe zyada hai. तो फिर इट्स ओके, यू नो माय लव फॉर एसएमईज पीपल, आई लव एसएमईज पीपल। वीडियो स्टार्ट करते, लेट्स गो। हाउ यू डूइंग? या व्हाट्स गुड इन द हुड? जस्ट होल्ड इट डाउन, ट्राई टू टेक योर बिजनेस, कीप इट अप। आई एम अ अरे बाप रे, कैजुअली एनवल ड्रॉप कर दिया भाई। फुल स्क्रीन क्यों नहीं है? ये फुल स्क्रीन नहीं है भाई, ये ऐसी सी है, फोन की स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं बता क्या, मैं आपको क्या बताऊं यार, स्क्रीन कैसे शेयर कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में? इनसेन, देख रहे हो ये? देख लो भाई, बकचोदी देख, मैं अपनी ओबीएससी। दिक्कत हो रही है इसमें, दिख नहीं रहा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे दिक्कत है भाई, लेट्स गो, वी डोंट केयर, आगे बढ़ते हैं भाई। दिक्कत हो रही है, चश्मे उतार दो, मुझे दिक्कत है भाई। Give a shit. 10 of the most racist moments in wrestling. Be sure to subscribe and hit that notification bell for daily wrestling videos and follow us on Facebook for exclusive lists. Oh, the legend. Undertaker nahi aa raha bhai. Number 10, Shelton Benjamin mocks Yoshitatsu. In 2009, WWE would... Hey, you remember Yoshitatsu? Bhai, he was a good wrestler. The only Yoshi I know is Mitsu. भाई टेकन 3 वाला यार, योशिमित्सु बहन। नहीं मेरे को कोई रेफरेंस बता, मेरे को कोई रेसिस्ट बात बोली है तो मैं एडिट में यूज करूंगा। मैग्नेट भाई कुछ भी ऐसा बोलो भाई, योशु मतलब मोमोज, मोमोज बोल दो भाई, ऐसा कुछ एकदम। नहीं मोमोज नहीं बोलना, सॉरी, हिटमैन भाई ऊपर ही है। ना 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 भाई, ये सब कट हो रहा है। शेरिटन ये याद है? हां मैंचो, ये भी तो काला ही था, ये क्यों मॉक कर रहा है? Unfortunately, a pre-match promo by Shelton completely overshadowed Yoshi's debut. Before they wrestled, Shelton would mock Yoshi's Japanese accent, threaten to call Godzilla, and even mock the traditional Japanese bow. Shelton's exceptional math skills are never questioned. It was incredibly tasty. Bro was about to call Godzilla. हिमन भाई आप कुछ कहना चाहोगे ऐसे थोड़ा एजियन लुकिंग पीपल के ऊपर? कुछ मिनट पास आप कुछ दे ब्रो, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। बाय द वे यार, इसने फुल पैंट्स पहनी, इसने निकर नहीं पहन रखी, जस्ट मैं बता रहा था ऐसे। नंबर 9, जिम नाइडॉट इज अ KKK मेंबर। नंबर दैट क्वेश्चन, व्हाट आर दिस KKK मेनन? अरे क्लू क्लक्स क्लैन, नहीं पता तुम्हें? वो रेसिस्ट क्लैन है अमेरिका का, दे हेट ब्लैक्स ब्रो। लेट्स गो, ये KKG है भाई, नहीं KKG नहीं, DKG है। हाँ KKG सुपर मैग्नेट के कान खड़े हो गए भाई। हाँ मैग्नेट एकदम से है, सिकंदर कालो पाजी। JBL goes hunting for illegal immigrant. For illegal immigrants, they aired a segment which featured JBL hunting for illegal immigrants on the border between Texas and Mexico. Towards the end of the infamous segment, JBL would confront a family and then proceed to physically kick one of the individuals. This is basically Arnab Goswami of India. Do you remember Jinder Mahal, एक बहुत ही hornswoggle type एक आदमी से जो एक टीम में होता था, उससे वो हारा था गंदे तरीके से, इतना उसको वीक दिखाते थे, एंड दिस गाय वेंट अप टू डिफीट रैंडी ऑर्टन फॉर द वर्ल्ड टाइटल भाई। बहुत ब्रो, इंडिया में टूर करना था ना उनको, इंडियन क्राउड चाहिए था, द नेक्स्ट ग्रेट खाली चाहिए था। अब उनको था कि बैंचोद इंडियन क्राउड चाहिए, इंडिया में बहुत सारे लोग, व्यूअरशिप अच्छी, तो हम इंडिया में जाएंगे। उनको क्या पता बैंचोदों के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। जैसे ही इंडिया का टूर खत्म हुआ, उसके बाद वही से चैंपियनशिप को हरा दिया भाई। नंबर 6, जिंदर महल इंपर्सोनेट शिंटे। 2017
भाई यार ये मैग्नेट यार यार ये मैग्नेट कुछ कह नहीं रहा ब्रो और फिर लास्ट में कर रहा है। मैं अभी इस वीडियो के बीच में ऐसे पॉज करके पूछने वाला था कि भाई जाके कुछ मतलब सैर सूर करके आनी है तो कराओ भाई। मैग्नेट भाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम दोनों ही देख पा रहे हैं इस वीडियो को, आप देख ही नहीं पा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ, अच्छे से देख पा रहा हूँ। अच्छे से देख पाएंगे भाई, ये शिम्स के नाकामुरा थोड़ी है। मैग्नेट भाई कोई टिप्पणी, ये भी पंजाबी अपनी तरफ से बाहर गया था कंट्री में नाम बनाने के लिए, बट थोड़ा बदनामी सी होगी, क्या कहना चाहोगे आप? एवरेज पंजाबी। आगे बढ़ते हैं। Promo on SmackDown which featured the WWE champion mocking Nakamura's accent, saying all Japanese people look the same, and he would even compare Nakamura to Mr. Miyagi. The live crowd would chant that's too far and that's racist as Jinder continued. चलो कुछ कहना चाहोगे मैग्नेट भाई इस पूरी बात पे? Fair enough भाई, सही बोला भाई। क्या बोला क्या बोला, पहले पूछो क्या बोला, पहले पूछो कि हुआ क्या है इतने 8 मिनट में, क्या हुआ बताओ। ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? WWE के ऊपर है। WWE, हाँ सही सही सही। क्या टॉपिक आगे? WWE racist moments. Truth be told, I'm not a very big fan of the black people. That's sad, that's actually. That's sad. That's very racist. है ना मैग्नेट भाई, बहुत गलत है ना ये तो. Very bad. Yes. Humiliating. यार क्या लोड़े पंजाबी तेरी माँ. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैग्नेट भाई के कमरे में ना एकदम ऐसे थोड़ा सा इधर उधर चीजें लाई ना एकदम से धुआं उड़ेगा भाई. बहुत तेज धुआं उड़ेगा और एकदम धुएं धुएं में पूरा कमरा हो जाएगा भाई. कौन से धुएं की बात कर रहे हैं? Number 3, Vince McMahon drops the N-word. At the 2005 Survivor Series, Vince McMahon would have Let's go, bhai. Stage Let's promo go, with WWE. यही है नाला भाई, रुक जो एक मिनट, मैग्नेट भाई ने कुछ बोला भाई. मैग्नेट भाई क्या बोल रहा है? मैंने बोला भाई, भाई ने बोला लेट्स गो और फिर पॉज कर दिया. भाई आप हिटमैन भाई आप ही बोलो बहनचोद भाई. यही है एमसी स्टैन का नाना भाई. लेट्स गो गुड जोक्स भाई, गुड इन्वॉल्वमेंट इन द वीडियो. अरविंदर टेट, you sit there and you watch some of the things of on television of men just basically slapping the shit out of women back and forth as if it was just another day at the office. Oh, and it's just time has a way. That wrestling legend Hulk Hogan had gone on an anti-black rant during his leaked tape. In the rant, Hogan would express disgust with the idea of his daughter Brooke dating a black man. Hogan would repeatedly use the N-word as well as admit to being a racist. मेरे को कभी पता ही नहीं था ये segments, शायद कभी पता भी नहीं लगे ना हमको. शायद India में काट के आया होगा Adam. Like अगर Indians ने भी सब सुना भी होगा तो उनको लगा होगा कि हाँ Avengers में गलत क्या है कुछ. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को कोई वो है, but नहीं मैं तो सबको भाई आई लव यू ह्यूमन भाई, आई लव यू मैग्नेट भाई, आई लव यू मैग्नेट भाई, आई लव एवरीवन, आई लव यू ऑल ब्रोक डैडीज, आप जितने भी लोग देखते हो भाई सबको प्यार है. पहले ह्यूमन क्यों बोला? ह्यूमन से प्यार ज्यादा है मेरे को, क्योंकि कम से कम वीडियो में कुछ तो बोला है ना भाई ने. अब यही कहीं पे सिकंदर कालो का गाना बज रहा होता ना यहाँ पे तो सारा निकल आना था अंदर से. F-16 हो जाना. अब घटिया से एक्सेंट में बताएगा अब मैग्नेट की क्या हुआ है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, इट वाज प्लेजर एंड इट वाज वेरी गुड. मेक श्योर यू लेट अस नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स एंड वी विल कैच यू लेटर. बाय, टेक केयर, स्टे हार्ड. बोले जनता इज द किंग, मांगे सब डिफरेंट, कुछ अलग सा दे दो तो मुंह बन जा रहे. जरा हार्ड वर्ड से मैंने लिखना शुरू किया तब से लब 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 सम लेवल बढ़ा रहे, पर इनके भेजे में गुस्से ना वर्सेस में लिखा क्या मतलब क्या पता. इनके पैरों ने चालू के कुछ